Hello children, good morning. So children, today we are going to learn this month theme. Do you know what is the theme of this month? बच्चों आज इस महीने का थीम क्या है पता है आपको? Our helpers. तो आज इस महीने का थीम है our helpers. तो आपको याद है हम लोगों ने लास्ट मंथ में क्या थीम था हमारा, क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था, याद है आपको? हाँ, yes, हमने सीखा था वेदर, डे एंड नाइट के बारे में सीखा था. अभी आज हम इस महीने में अवर हेल्पर्स के बारे में सीखेंगे. हेल्पर्स मतलब कौन है? हमें बहुत सारे लोग जो है हमें हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं. तो वो हेल्पर्स कौन कौन है जो हमें मदद करते हैं? ओके चिल्ड्रन, तो हमारा जो इस महीने का थीम जो था वो है जॉब. तो हमें बहुत सारे लोग हमें हेल्प करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आवर हेल्पर्स. तो कौन कौन है हमारे हेल्पर्स? तो पहले हम देखेंगे पोस्टमैन. पता है पोस्टमैन क्या करता है हमको, क्या हेल्प करता है पोस्टमैन? आपको पता है, देखा है आपने पोस्टमैन को? हाँ, पोस्टमैन एक टोपी डालता है, ग्रे कलर का ड्रेस पहनता है, फिर हमारा लेटर्स लेकर आता है. क्या लेकर आता है? लेटर्स, जो हमारे दूर दूर से लेटर्स आते हैं, जो डीडी आते हैं, वो सब हमको पोस्टमैन लाकर देते हैं. ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट हेल्पर कौन है? डॉक्टर. बच्चों अभी हम बहुत फीवर आया है, मैं बहुत बीमार हूँ. अगर आप लोग बहुत बीमार हो तो कहाँ पे जाते हैं हम लोग? किसके पास जाते हैं दिखाने के लिए? डॉक्टर के पास जाते हैं ना. तो डॉक्टर उनको क्या करता है? मेडिसिन देता है और थर्मामीटर से हमारा फीवर को चेक करते हैं और हमें इंजेक्शन भी डालते हैं ताकि हम सही और ठीक हेल्दी हो जाए. ठीक है बच्चों, डॉक्टर भी हमारा एक हेल्पर है. ठीक है, तो पुलिसमैन, तो पुलिसमैन यहाँ पे देखो, पुलिसमैन, पुलिसमैन क्या करते हैं? पुलिसमैन हमें बहुत हेल्प करते हैं. जैसे कि हम कुछ भी, अगर हमारा कुछ घूम गया है, अगर हमारे अभी कोई चोरी हुआ है, अगर हमको किसी बात की प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिसमैन हमें मदद करता है. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आता है कारपेंटर. तो हियर कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर हमारा जो हमारे घर में कॉट है, चेयर है, लकड़ी की जो भी चीजें रहते हैं ना घर पे, वो कवर रहता है, तो उन सब चीजों को कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है. ठीक है बच्चों, और हमारा वॉचमैन. ठीक है, वॉचमैन को देखा है आपने? घर के पास रहते हैं, थोड़े ऑफिस के बाहर रुके रहते हैं, है ना, तो वो हमारा चीजों को गार्ड करने के लिए बाहर रुके रहते हैं. ठीक है, तो उनको बोलते हैं वॉचमैन. ठीक है, और जी हेलो चिल्ड्रन, हम कहाँ पर जाते हैं अपने कपड़े सिलाने के लिए? किसके पास जाते हैं हम? किसके पास जाते हैं? यस, हम जाते हैं टेलर के पास. तो हम किसके पास जाते हैं? टेलर के पास. सी एंड टेलर, तो हम टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर हमारा कपड़े, अगर हम ऐसे ही देते हैं तो कपड़े को जैसे हम चाहते हैं वैसे वो टेलर हमें स्टिच कर दे देते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉबलर. ठीक है, कॉबलर मतलब कौन है? कॉबलर मतलब जो हमारे शूज को सीते हैं उसको बोलते हैं शूज, चप्पल. जब भी हमारा फट जाता है तो किसके पास जाते हैं हम? कॉबलर के पास जाते हैं. और नेक्स्ट देखेंगे स्वीपर. कौन है स्वीपर? स्वीपर कौन है? स्वीपर मतलब जो हमारे ऑफिस को, ऑफिस और बाहर जो भी क्लीन करते हैं ना हम, उसको बोलते हैं स्वीपर. जो झाड़ू वीडू मारकर हमारे पूरे लोकेलिटी को क्लीन रखते हैं हम उसको बोलते हैं स्वीपर. नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मर. ठीक है, तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है वो फार्मर है. अगर फार्मर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है. ठीक है बच्चों, फार्मर से ही हमको क्या मिलता है? खाना मिलता है. हम जो भी चीजें खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर की वजह से है. अगर वो खेत में बीज नहीं डालेगा, अगर वो खेत में नहीं उगाएगा तो हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं.
ठीक है बच्चों, तो आज हमने बहुत सारे हेल्पर्स के बारे में सीखा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सब याद करना है, ये आज का आपको होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।